नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ध्यान से देखते रहें शुरू से आखिर तक इस वीडियो को। 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही सब्सक्राइब के बटन के सामने आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई थी? तो सही उत्तर इसके ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, चहुंदड़ो और लोथल। सही उत्तर है लोथल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या करते थे? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बड़ावली, ऑप्शन डी लोथल। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यमजान, श्रवण, अर्थवन, डी श्रेष्ठिन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें श्रवण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी ईस उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी अंतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौसाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। सही उत्तर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न, किस वेद में जुदाई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल का वर्णन है? ऑप्शन एक ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में मोह माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन एक अश्किनी, ऑप्शन बी परुष्णी, ऑप्शन सी कुंभा और किरमु, ऑप्शन डी विपास और सतुद्री। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुंभा और किरमु। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी या उस पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। सही उत्तर है ऑप्शन डी मगध। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है ए घनानंद, बी अजातशत्रु, सी उदयन,
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? ए नंद का, बी मौर्य, सी सुंग या डी कर्णवंश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नंद वंश का सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में शासन था। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनगर या कुशीनगर कुशीनारा या कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी पावा, डी कुंडग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर या कुशीनारा में बौद्ध ने महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में कौन सा था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुबद्ध। सही उत्तर है डी सुबद्ध। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडल वन या कश्मीर, डी राजगृह। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंडल वन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बुद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगृह, डी बोधगया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बौद्ध गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी मनोनीत नहीं किया था। अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए पार्स, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। सही उत्तर है डी वसुमित्र। अगला प्रश्न है, महायान बुद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? ए वज्रपाणि, बी मंजुश्री, सी पद्मपाणि, डी मैत्रेय। सही उत्तर है सी पद्मपाणि के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद निम्न से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत। सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन मत का। नेक्स्ट प्रश्न, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ए विनयपिटक, बी सुत्तपिटक, सी अभिधम्मपिटक, डी जातक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जातक। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या कर दी थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ए जूडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं सहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्रवृत्त व्रत लेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। राइट आंसर इज डी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ए कुजुल कडफिसस, बी विम कडफिसस, सी कनिष्क, डी वशिष्ठ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क महानतम कुषाण नेता था जो अंत में बुद्ध बन गया था, यानी उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? ए सातवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मुद्राओं का चलन किया था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ए सातवाहनों ने, बी शकों ने, सी कुषाण, डी पार्थियन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक था कौन था जिसने कर्णी यानी पत्नी के मंदिर निर्माण का कराया था? ए एलोरा, ए एलारा, बी कारिकाल, सी सैन गुट्टवन, डी नेदुन जेरल आदान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सैन गुट्टवन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संगयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ए एतुतगोई, बी पादकिल्कोणु, सी तोलकापियम, डी में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तोलकापियम। अगला प्रश्न, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? सही उत्तर ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी आगतस्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांबर। राइट आंसर है ऑप्शन बी आगतस्य। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान निम्न में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल ज्ञानी और गणितज्ञ भी था? ए भानुगुप्त, बी वाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वरामिहिर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान एक ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था, वह है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को भारत से रोका था। अगला प्रश्न, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी, ऑप्शन बी सप्तम सदी ईस्वी, ऑप्शन सी तृतीय सदी ईस्वी, ऑप्शन डी द्वितीय सदी ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी ईस्वी में दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्र। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरण, बी गया, सी नालंदा, डी प्रयाग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग के अभिलेखों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौच, सी कल्याण, डी क्रांबे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिपि से। अगला प्रश्न,
निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन प्रसिद्ध बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात यानी पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है, हर्षवर्धन ने गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था। अगला प्रश्न, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर एक प्रजातंत्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथा सरित सागर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंचतंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ए कुषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यावसायिक या व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए मदुरे, बी ताम्रलिपि, सी तोंडी, डी अरिकेमेडु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अरिकेमेडु से। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी भाषा, प्राचीन भाषा, दाई ओर से बाई ओर की तरफ लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा हमीर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, सोमनाथ के मंदिर पर 1225 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ए भीमदेव फर्स्ट, बी भीमदेव द्वितीय, सी मूलराज फर्स्ट, डी मूलराज सेकंड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीमदेव प्रथम, सोमनाथ के मंदिर पर 1225 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह है। राणा रतन सिंह रानी रानी पद्मिनी का पति का नाम है। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था और उसे दक्षिण की ओर जाने से रोका था। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ए पल्लवों की, बी चेरों की, सी पांड्यों की, डी चालुक्यों की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पल्लवों की, महाबलीपुरम पल्लवों की कला रुचि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ए चोल, बी पांडे, सी चेर, डी पल्लव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्न में से किसने जोरोएस्ट्रियानों यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंच गए थे? ए चालुक्यों ने, बी चोलों ने, सी होयसलों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न, चोलों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? ए वैंगी के चालुक्य, बी कल्याणी के चालुक्य, सी बादामी के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैंगी के चालुक्यों द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ए कुलोतुंग फर्स्ट, बी राजेंद्र फर्स्ट, सी अधिराजेंद्र, डी राजाधिराज। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ए नसीरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? ए बाबर, बी इब्राहिम लोधी, सी बहलोल लोधी, डी जलालुद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी का। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्यों नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ए शेरशाह सूरी ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूब खां। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जफर खां। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उज़्बेक खां। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गाजी मलिक। अगला प्रश्न, हम्पी त्रुवनमलई चंद्र चिदंबरम श्री रंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन ए विद्यारण्य, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी राज राजा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सीराज या सीराज हिंद कहा जाता था? सही ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, सी जौनपुर, डी वाराणसी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जौनपुर का। नेक्स्ट प्रश्न, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए सदाशिव, बी तिरुमाल, सी रंगा सेकंड, डी वेंकट सेकंड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वेंकट सेकंड। अगला प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य व गीतों यानी कीर्तन के माध्यम बनाया? ए शंकरदेव, बी चंडीदास, सी ज्ञानदेव, डी चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने, जो कि एक भक्ति संत थे, अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न,
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी, बी अलाउद्दीन खलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी, आईने मकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जिसके द्वारा लिखी गई है। ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह, डी अब्दुल शाह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब आईने मकबरी है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? एक अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। सही उत्तर है शाहजहां ने अपनी मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ए इब्राहिम लोदी, बी शेरशाह सूरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित किया गया था। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी मोहम्मद खां। क्या हो गया? बी अब्दुल समद, डी मीर सैयद अली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी तोरण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, उसके बाद सुल्तान की उपाधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी निजामुद्दीन अहमद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किले में, सी पंचमहल में, डी शेरशाह के मकबरे में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह के मकबरे में हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? ए कालीकट, बी बड़ौच, सी खंबात, डी सूरत। सही उत्तर है सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ए अकबर,
बी जहांगीर, सी शाहजहां, इनमें डी में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो अगला प्रश्न राजपूताना, कौन? सुभाष अगला प्रश्न, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ए आमेर या आम्बेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी बीकानेर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ए चंद्रप्रभा सूरी, बी हरिविजय सूरी, सी पुष्पदंत, डी यशोभद्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ए चित्तौड़ की संधि, बी पुणे की संधि, सी पुरंदर की संधि, डी तोरण की संधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था। अगला प्रश्न, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन ए इनायत खान, बी अफजल खान, सी शाइस्ता खान, डी सैयद बांदा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन सा इतिहासकार है? ए खफी खान, बी काशीराज पंडित, सी
दत्ता जी पिंगले, डी हरचरण दास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ए ब्रिटिशों ने, बी फ्रेंचों ने, डी डटिज ने, डी पुर्तगाली ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ए अकबर से, बी जहांगीर से, सी शाहजहां से, डी औरंगजेब से। सही उत्तर है बी जहांगीर से। ब्रिटिशों ने अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? इनमें से कौन है या कौन था? ए बेंटिक, सी कार्नवलस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेस्ली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? ए सूरत में, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अकबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है बनवाया था? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी सूरजमल ने, डी जयसिंह सेकंड ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जयसिंह सेकंड ने भारत में दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है बनवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी लल्लल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भास्कर को बीज गणित के रूप में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ए मंगलोर की संधि, बी श्री रंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, डी बिदनूर की संधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्री रंगपट्टनम की संधि की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा नीति हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ए झांसी नागपुर त्रावणकोर, बी झांसी नागपुर सतारा, सी झांसी सतारा और मैसूर, डी मैसूर सतारा और भावनगर। सही उत्तर है हड़प नीति के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत झांसी नागपुर और सतारा राज्य भारतीय राज्य अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिए थे। अगला प्रश्न, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था यानी कुशासन प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए अवध, बी उड़ीसा, सी वर्मा, डी संयुक्त प्रांत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुशासन या प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम वेंटिक, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी ने
लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश सरकार का पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि। सन 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान को, बी राजा सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ए हरगोविंद, गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु तेग बहादुर ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। प्रश्न नंबर 98 तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम एंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम एंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए पलासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पलासी के युद्ध के ही ब्रिटिशों ने भारत में अपना प्रभुत्व प्रारंभ कर दिया था। वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय हिस्ट्री से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया था। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर लाइक आए हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, साथ ही अपने मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी को इन प्रश्नों का आनंद ले सकें, आने वाली परीक्षाओं में वो सफल हो सकें। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बने रहिए दोस्तों आने वाली हमारी नई वीडियो तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।